गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक प्लाईवुड की फैक्ट्री में जो बंसराज वर्मा की थी, उसमें कत्थे की लकड़ी पकड़ी गई है, खैर की, जो एक क्विंटल एक ट्रक लकड़ी है, करीब 150 क्विंटल, जिसकी मार्केट में कीमत 50 लाख रुपए तक हो सकती है। ये पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसमें पकड़ी गई है बंसराज गौतम, इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसमें फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना कर दी गई है, उनके DFO से बात हो गई है और उनके द्वारा जो कार्रवाई की जानी है वो भी करेंगे और पुलिस भी कार्रवाई कर रही प्लाईवुड है। फैक्ट्री क्या अवैध रूप से चल रही है अभी इस तक? बारे में DFO साहब बताएंगे कि प्लाईवुड फैक्ट्री वैध थी या अवैध थी। सर, सातों जंगल में कत्थे का बड़ा जंगल है, क्या ये लकड़ी वहां से सप्लाई की जा रही है? ये मैंने जो इंजीनियर जो सूचना है वो बहराइच से आने की सूचना है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लकड़ी वहाँ से भी आ रही हो। इस बारे में जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं वो बेहतर बेहतर बताएंगे कि वहाँ पहले कितने पेड़ थे और कितने कम हुए हैं और वो कहाँ जा रहे हैं।